हेलो एवरीवन, आरती आत्माराम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे खिला खिला और बहुत ही टेस्टी पुदीना राइस, जिसे घर के छोटे बड़े सब पसंद करेंगे। तो चलिए झटपटी से बनाना शुरू करते हैं। पुदीना राइस बनाने के लिए मैंने लिया यहाँ पे 2 कप बासमती चावल। इसे अच्छे से धो के पानी में भिगो के रखना है कम से कम 20 मिनट के लिए। और इसी में हम यूज करेंगे कुछ सब्जियाँ। तो उसमें मैंने लिया है बीन्स, हरी मटर, आलू, गाजर, साथ ही लेंगे लहसुन, अदरक, लंबा कटा हुआ प्याज, करी पत्ता, नींबू, हरी मिर्च। और इसी में हम डालने वाले हैं पुदीना। ये मैंने बड़ा बंच पुदीना और आधा बंच धनिया लिया है। और इसी में हम डालेंगे कुछ गरम मसाले। तो उसमें मैंने यहाँ पे तेजपत्ता, लौंग, काली मिर्च, स्टार फूल, बड़ी इलायची और दालचीनी ली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो पुदीना है उसकी चटनी बना लेते हैं। तो मिक्सर ग्राइंडर में धुला हुआ पुदीना और धनिया डाल देंगे। और इसी में हमें डालना है हरी मिर्च। तो हरी मिर्च आप स्वादानुसार कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। लहसुन की कलियां इसी में डाल देंगे, अदरक छिला हुआ, और इसी में हम कुछ डालेंगे आइस क्यूब्स और साथ ही आधा नींबू निचोड़ के। नींबू डालने से जो हमारा पुदीना राइस है वो बहुत ही टेस्टी बनता है और खिला खिला बनता है। इसी में हम डालेंगे कुछ आइस क्यूब्स। इससे जो हमारी ये चटनी होती है वो काली पीली नहीं होती, एकदम हरी बनी रहती है। और थोड़ा सा पानी डाल के इसे मिक्सर ग्राइंड कर लेंगे। तो इस तरह से आइस क्यूब्स डालने से चटनी जो होगी वो एकदम हरी बनी रहेगी और नींबू से इसका स्वाद बढ़ेगा। इसे अच्छे से मिक्सर ग्राइंड करने के बाद ये देखिए इसकी एक फाइन चटनी बन चुकी है पुदीना की। तो अब चलते हैं तड़का लगाने की तरफ। तड़का लगाने के लिए एक बड़े कढ़ाई में मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है और इसी में डालेंगे सारे खड़े मसाले। तेल जो है वो अभी हल्का गर्म है तो धीमी आंच पे 1 मिनट के लिए हल्का सा इस मसालों को भून लेना है। यहाँ पे ध्यान दें, अगर तेल ज्यादा गर्म हो तो मसाले जल सकते हैं, इसलिए धीमी आंच पे हल्के गर्म तेल में ही मसाले भून लेना है। और इसी में डाल देंगे 1 चम्मच जीरा, इसे भी हल्का सा तड़कने दें। और अब हम इसमें डालेंगे ये लंबा कटा हुआ प्याज और करी पत्ता। करी पत्ता प्याज के साथ डालने से वो चटकता नहीं है, अच्छा सा उसमें फ्राई हो जाता है। और ये जो प्याज है इसे हमें तेज आंच पे हल्का सुनहरा होने देना है। तो 2 से 3 मिनट में ही जो प्याज है हमारा हल्का सुनहरा हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे सब्जियां। तो ये जो हल्के दरदरे हल्के मोटे कट करे हुए सब्जियां थे वो इसमें डाल देंगे और मीडियम से तेज आंच पे इसे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। सब्जियों को इस तरह से अच्छे से भूनने से इसका स्वाद और भी अच्छा आएगा। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वादानुसार। मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच नमक डाल दिया है और इसी में डालेंगे धनिया पाउडर 1 चम्मच। क्योंकि हमने खड़े मसाले ऑलरेडी इसमें डाले हुए हैं तो इसमें और मसाले डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसे भी 1 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे धीमी आंच पे। और अब हम इसमें डालेंगे ये पुदीना की चटनी जो हमने मिक्सर ग्राइंड करी हुई है और इसी के साथ डालेंगे 4 कप पानी। जिस कप से हमने चावल लिया है उसी कप से दोगुना पानी लेना है, यानी 2 कप चावल के लिए मैंने यहाँ पे 4 कप पानी यूज किया है। सब्जियां यहाँ पे कम या ज्यादा यूज कर रहे हो तो उसी हिसाब से पानी थोड़ा सा कम या ज्यादा भी लगेगा। इसे हमें तेज आंच पे उबाल आने देना है। तो ये जो चटनी और पानी है तड़का लगाया हुआ, इसे अच्छे से उबाल आने देंगे और इस उबले हुए पानी में ही हमें चावल डाल देना है। गैस जो है वो अभी भी तेजी है तो अच्छे से मिलाने के बाद अब हम जो भिगोया हुआ चावल है ये इसमें डाल देंगे। उबले हुए पानी में चावल डालने से जो इसकी लेंथ होती है वो अच्छी बनी रहती है, चावल टूटते नहीं है। तो जो हमारा गैस है ये अभी भी तेज आंच पे चल रहा है। चावल मिलाने के बाद इसे ढक देंगे और कम से कम इसे 5 मिनट के लिए उबलने देना है। पांच मिनट बाद जब चावल अच्छे से उबल जाए तब इसे एक बार मिला लेना है। तो चम्मच की मदद से इसके साइड्स के कॉर्नर से गोल घुमाते हुए इसे मिला लेंगे।
इससे जो हमारे मसाले और सब्जियां हैं ये इवनली मिक्स हो जाते हैं, कहीं कोने में जमा नहीं होते। और इस तरह से कोने से घुमाने से जो चावल है वो भी टूटता नहीं है। चावल को हमें कम से कम आधा कच्चा यानी 50% होने तक तेज आंच पे पका लेना है। तो फिर से 2 मिनट के लिए मैंने इसी तरह से पका लिया है और एक बार इसे मिला लेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा था, चम्मच हमें साइड से घुमाना है और इस पूरे प्रोसेस में हम सिर्फ 2 बार ही चम्मच से मिलाएंगे चावल को। अगर ज्यादा बार मिलाते जाएंगे तो जो चावल होते हैं वो टूट जाते हैं, उसका लंबाई नहीं रहती बासमती की। तो अभी आप देख सकते हैं जो चावल है ये 50% यानी आधा कच्चा पक चुका है और अभी जो ये बाकी पानी है इसे धीमी आंच पे पकने देना है। तो 5 मिनट तक मैंने फिर से इसे धीमी आंच पे पकने दिया है। अब साइड से चम्मच हल्का सा अंदर डाल के देखें पानी बचा है कि नहीं। ये देखिए पानी तो पूरा खत्म हो चुका है और हल्का सा हाथ से दबाते हुए चावल भी चेक कर ले तो ये जो हमारा पुदीना राइस है ये अच्छे से पक चुका है। गैस को बंद कर देंगे और भाप पे इसे कम से कम 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो इस तरह से 15 मिनट के लिए छोड़ने से जो अंदर का पानी होता है वो पूरा अच्छा चावल सोख लेता है और एकदम खिला खिला बनता है। 15 मिनट बाद इस पुदीना राइस को हल्का हल्का कोने छुड़ा लेना है इस तरह से, इससे जो चावल होता है वो एकदम खिला खिला बनता है हमारा। और ये हमारा बहुत ही आसान तरीके से टेस्टी पुदीना राइस बनके रेडी हो चुका है ना। बनाने में आसान, ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। आप भी इसे बना के जरूर देखें। आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।